साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज कुछ न कुछ नया निकल कर आ रहा है। अब इधर आकांक्षा के ही मामले में समर सिंह को लेकर सबसे बड़ा, सबसे नया, बेहद ही ज्यादा सनसनीखेज, धमाकेदार खुलासा हुआ। और ये खुलासा किसी और ने नहीं, आकांक्षा की दोस्त ने किया, जिसे खुद आकांक्षा दुबे ने 25 मार्च से 3 दिन पहले सब कुछ बताया था। वो पूरी दास्तान बताई थी, वो नरक सी हालत बताई थी जिसमें समर सिंह पर गंभीर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गंभीर, बेहद ज्यादा हैरानी भरे आरोप लगे हैं, क्योंकि समर सिंह आकांक्षा को जंजीरों से बांधता था। मारपीट का आरोप तो आकांक्षा की मां पहले दिन से लगा रही है, लेकिन इससे आगे की हद देखिए। पिटाई के बाद गर्म चीज से आकांक्षा को दागा जाता था, उस मासूम लड़की पर जुल्म की इंतहा की जाती थी और तब जाकर समर सिंह का कलेजा भरता था। तो सब कुछ बताते हैं, आपको दिखाते हैं आकांक्षा ने खत्म होने से 3 दिन पहले क्या क्या खुलासे किए, जो कि अब समर सिंह के लिए आखिरी कील साबित होंगे। आप भी आकांक्षा के साफ के लिए लड़ते रहें, इस खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे के साथ 25 मार्च को क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये अभी तक पूरी तरह से मिस्ट्री बना हुआ। लेकिन सबसे बड़ा आरोपी, सबसे बड़ा गुनाहगार समर सिंह ही लग रहा है, क्योंकि पहले ही दिन से समर सिंह पर आरोप लग रहे थे, आकांक्षा की मां ने आरोप लगाए और फिर समर सिंह फरार भी हो गया। तो तय हो गया कि समर ने कुछ न कुछ गड़बड़ तो किया है। और उधर आकांक्षा का नया वीडियो आ गया जिसमें आकांक्षा ने खुद कहा है कि उसे कुछ भी अगर होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह ही होगा। तो फिर तो कन्फर्म ही हो गया कि समर ने आकांक्षा को खत्म किया, या कहें कि खत्म करने में समर सिंह का ही सबसे बड़ा रोल है, हाथ है। अब इस बीच एक और नया और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, आकांक्षा दुबे की बेहद करीबी दोस्त, जिसने आकांक्षा का वो आखिरी वीडियो भी उपलब्ध करवाया है, उसी ने आकांक्षा दुबे और समर सिंह को लेकर बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया। और दावा है कि ये बातें, ये सब कुछ जो हम आपको बताने जा रहे हैं, खुद आकांक्षा ने ही बताई थी। 25 मार्च की रात से ठीक 3 दिन पहले ये सारी की सारी बातें आकांक्षा दुबे ने अपनी दोस्त को बताई थी। आकांक्षा दुबे की दोस्त के मुताबिक समर सिंह बेहद ही ज्यादा गुस्से वाला, आक्रामक इंसान है और वो आकांक्षा को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा था। खुद ही आकांक्षा ने बताया है कि समर सिंह उसके साथ बेहद गंदा सलूक करता था और समर सिंह न सिर्फ अकेले में बल्कि कई बार पब्लिकली भी उसकी बेइज्जती करता था। समर सिंह को इसमें काफी मजा आता था। आगे देखिए, आकांक्षा के दोस्त के मुताबिक आकांक्षा ने बताया कि आकांक्षा और समर सिंह का रिलेशन खत्म होने की वजह पैसा या फिर काम करने नहीं देना नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा कारण था समर सिंह का बेहद गंदा, घटिया सलूक, उसका बर्ताव। जी हाँ, उसी दोस्त ने बताया कि अक्सर समर सिंह आकांक्षा दुबे को बांध देता था, जंजीरों से बेहद बुरी तरीके से टॉर्चर करता था। आकांक्षा के दोस्त के मुताबिक मारपीट तो सामान्य बात थी, आकांक्षा की पिटाई हर रोज ही होती थी, समर सिंह रोज उसके साथ ये सब कुछ करता था, मगर इंतहा तब होती थी जब उस मासूम आकांक्षा दुबे को जंजीरों से बांध दिया जाता था। समर सिंह अपनी मनमानी करता था। आकांक्षा दुबे की दोस्त के मुताबिक आकांक्षा रोती रहती थी, रहम की भीख मांगती रहती थी, कई बातों की दुहाई देती थी, तोड़ देने के लिए हाथ जोड़ती रहती थी, लेकिन समर सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ अपनी मनमर्जी करता था और आकांक्षा के साथ वो सलूक करता था जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और हम भी पूरी तरीके से आपको बता नहीं सकते। आकांक्षा की उसी दोस्त के मुताबिक 25 मार्च से 3 दिन पहले आकांक्षा ने ही बताया था कि समर सिंह का मन जब उसे जंजीरों में बांधकर भी नहीं भरता था, जब समर सिंह उससे भी खुश नहीं होता था, तो फिर उससे आगे की हद पार की जाती थी, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन होती थी। गर्म चीज से आकांक्षा को दागा जाता था। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा, ये बड़ा दावा आकांक्षा की दोस्त ने किया है और बताया कि आकांक्षा की हालत किसी बंधुआ मजदूर की तरह थी, जो कि दिन भर काम करती थी, एल्बम के गानों में डांस करती थी, फिल्मों की शूटिंग करती थी और फिर शाम होते ही समर सिंह उसके साथ खिलवाड़ करता था, उसकी जिंदगी के साथ वो जहन्नुम बना देता था और करीब करीब यह हर रोज का काम हो गया। और इसी वजह से आकांक्षा दुबे इन सारी बातों से बेहद बुरी तरीके से घबरा चुकी थी। आकांक्षा जीते जी नरक भोग रही थी, नरक जैसे हालात में जी रही थी और उस मासूम लड़की की जिंदगी नरक बन चुकी थी। आकांक्षा की न सिर्फ शारीरिक हालत बल्कि मानसिक हालत भी खराब हो गई थी। हर रोज के स्ट्रेचर से परेशान होकर, हर रोज की एक्सट्रीम कंडीशन से परेशान होकर डर के मारे आकांक्षा दुबे समर सिंह से अलग हो गई और खुद को समर से अलग कर लिया। लेकिन समर सिंह ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो तो आकांक्षा
को अपना पपेट बनाकर रखना चाहता था ताकि दिन में आकांक्षा से वो काम करवाए फिल्मों में एल्बम में और फिर उसके बाद शाम को और जो करवाए अपनी मनमर्जी करवाए। अब आकांक्षा की दोस्त के मुताबिक समर सिंह आकांक्षा को दूर नहीं जाने देना चाहता था, आकांक्षा को अपना खिलौना बना लिया था और अपनी घटिया सोच घटिया आदतों को पूरा करने के लिए आकांक्षा का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। समर सिंह इसीलिए बार बार लगातार आकांक्षा दुबे का पीछा भी करता था, उसे फोन करता था, उसे ट्रैक करता था और लगातार उसे परेशान करता था और उसे वापस आने के लिए जबरदस्ती दबाव बना रहा था, ब्लैकमेल तक कर रहा था। और यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि उस दिन यानी कि 25 मार्च की रात को भी जब आकांक्षा दुबे के साथ वो सब कुछ हुआ तो उस रात भी समर सिंह ने आकांक्षा को फोन किया, एक नहीं बल्कि दो दो बार बात हुई। और उसके बाद अगले दिन सुबह समर सिंह वाराणसी आया था। भले ही समर कह रहा हो कि वो मुंबई जाने के लिए वाराणसी आया था, मगर सच तो ये है कि वो आकांक्षा को अपने साथ लेकर जाने के लिए आया था। जी हाँ, आकांक्षा के दोस्त के मुताबिक समर सिंह आकांक्षा को अपने साथ ही रखना चाहता था, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसा हो गया कि आकांक्षा को खत्म कर दिया गया और फिर इसीलिए सुबह सुबह वहां से समर सिंह फरार हो गया। तो कुल मिलाकर आकांक्षा दुबे को लेकर आकांक्षा के दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है, समर सिंह की घटिया हरकतें घटिया आदतों पर बड़ा खुलासा किया है। आकांक्षा ने जो नरक इसी दुनिया में भोगा है वो सब कुछ बताया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये दावा ये खुलासा बेहद हैरानी भरा और इसके बाद तो समर सिंह को बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए, उसे तत्काल कड़ी से कड़ी सजा देते हुए आकांक्षा का इंसाफ पूरा होना चाहिए। आपका क्या मानना है, आप समर सिंह के लिए क्या सजा चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और हाँ, आकांक्षा के इंसाफ के लिए लड़ते रहें, खड़े रहें, इस खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो आकांक्षा दुबे के साथ वो हुआ जो कल्पना से भी परे था, किसी ने सोचा तक नहीं था, मगर आकांक्षा को ये सब कुछ 13 दिन पहले पता चल चुका था। जी हाँ, 25 मार्च को आकांक्षा दुबे को खत्म कर दिया गया, आकांक्षा को ये सब कुछ उससे पहले 13 दिन पहले यानी कि 12 मार्च को ही पता चल गया था। और ये बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर होने जा रहा है, ये खुलासा आकांक्षा के उस वीडियो के बाद हुआ है। आकांक्षा दुबे का नया वीडियो आया है जिसमें आकांक्षा बुरी तरह से डरी हुई है, रो रही है और इस साफ साफ कह रही है कि उसके साथ कुछ भी हुआ है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा, समर सिंह उसे खत्म कर देना चाहता है। तो सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ा खुलासा यह है कि यह वीडियो 12 मार्च की रात को बनाया गया था। जी हाँ, ठीक आकांक्षा के खत्म होने के 13 दिन पहले 25 मार्च की रात आकांक्षा के साथ वो सब कुछ हुआ तो 12 मार्च को यह वीडियो बनाया गया। आगे देखिए, आकांक्षा ने ये वीडियो पटना में बनाया था। आकांक्षा उस वक्त किसी काम के सिलसिले में पटना में थी और सूत्रों के मुताबिक वहाँ आकांक्षा रुकी हुई थी। अब वहाँ पर जबरदस्ती समर सिंह भी आ धमका था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से आकांक्षा और समर सिंह के बीच में काफी दिक्कतें बढ़ गई थी और आकांक्षा बार बार अपना पैसा अपना मेहनताना मांग रही थी, मगर समर सिंह न तो पैसा देने को तैयार था और न ही आकांक्षा को किसी और के साथ काम करने देना चाहता था, ये लगातार आरोप लग रहे हैं। अब आकांक्षा के करीबी दोस्त ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया है कि 12 मार्च की रात को और भी बड़ा बवाल हो गया। आकांक्षा की दोस्त के मुताबिक पटना के उस होटल में समर सिंह जबरदस्ती आ धमका और आकांक्षा वहां पर रुकी हुई थी और आकांक्षा को अपने साथ चलने को कहा। अब उसी दोस्त के मुताबिक आकांक्षा ने समर सिंह के साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया और साफ कह दिया कि वो अब उसके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती है। मगर समर सिंह तो रौब में घमंड के नशे में चूर तो था ही और बाकी का नशा भी किया हुआ था और समर सिंह ने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। उसी दोस्त के मुताबिक खबर तो यहाँ तक है कि उस रात यानी कि 12 मार्च की रात समर सिंह ने आकांक्षा के साथ बेहद गंदा सलूक किया, गालियां दी, यहाँ तक कि हाथ भी उठाया, मारपीट तक की खबर है, जिसके बाद आकांक्षा बुरी तरह से टूट गई, बिखर गई। आकांक्षा को 12 मार्च की उस रात समर सिंह ने बुरी तरीके से टॉर्चर किया और ये तक कहा कि वो उसका करियर यानी कि आकांक्षा का करियर खत्म कर देगा, आकांक्षा को जीने नहीं देगा, आकांक्षा को कहीं का नहीं छोड़ेगा। और आकांक्षा ने ये सारी बातें अपनी दोस्त को बताई और कहा कि उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, जानवरों से भी गंदा सलूक किया गया, मेरा कसूर क्या था, मैंने गलत क्या किया है। जी हाँ, आगे देखिए, आकांक्षा ने अपने उस दोस्त से कहा कि मैं सिर्फ अपना काम करना चाहती हूँ, मुझसे कुछ गलतियां शुरू में हुई हैं लेकिन मैं अब उन्हें सुधार कर आगे निकलना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन समर सिंह मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, मुझे खत्म कर देना चाहता है, उसने मेरा यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज किया और आगे भी मुझे यूज करना चाहता है। आकांक्षा ने अपनी दोस्त को यह भी बताया कि समर सिंह ने उसे 2 हफ्ते का समय दिया है। जी हां, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि आकांक्षा को समर सिंह ने सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया था और कहा था कि 2 हफ्ते में फिर से समर सिंह के पास चली आओ, नहीं तो भवंडर मचा देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। और ठीक इसी के बाद आकांक्षा ने
ये वीडियो वाली बातें कही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उस वीडियो के ठीक पहले की कहानी हमने आपको बताई, जो हमने अभी आपको बताया उसके बाद ही आकांक्षा ने रोते हुए बिलखते हुए ये वीडियो भी बनाया और साफ साफ कहा कि आकांक्षा को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा। समर सिंह ने ही उसके साथ बेहद गंदा सलूक किया था। उस रात यानी कि 12 मार्च की रात ही तय हो गया था कि अब अगले दो हफ्ते यानी कि 26 मार्च तक आकांक्षा ने समर सिंह की बातों को नहीं माना तो फिर तो आकांक्षा को खत्म कर दिया जाएगा या फिर उससे भी बदतर, उससे भी बुरा हाल कर दिया जाएगा। और बिल्कुल ये आशंका सही निकली। 25 मार्च की रात को आकांक्षा को फाइनली खत्म कर दिया गया। और अब जब ये वीडियो आ गया, आकांक्षा ने खुद सबसे बड़ा सबूत दे दिया, आकांक्षा की दोस्त ने इसे रिकॉर्ड किया था, तो सब कुछ साफ हो गया है कि आखिर आकांक्षा के साथ हुआ क्या था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।